तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो यात्रा जिसके जरिए सियासत में एक नई तरंग छेड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यानी अभियान के रास्ते सियासत के वास्ते। उत्तराखंड कांग्रेस का जोश हाई है, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में 2024 में जनता देगी कांग्रेस का साथ? क्या कांग्रेस में खत्म हो जाएगी, उत्तराखंड कांग्रेस में खत्म हो जाएगी गुटबाजी? और क्या वाकई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से अब एक नई उत्तराखंड कांग्रेस दिखाई देगी? क्योंकि बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कसरत का कोई फायदा नहीं। अब सवाल यही कि आखिरकार इस आगाज के जरिए क्या होगा हासिल? पहले जरा यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। छब्बीस जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर यूं तो कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े कार्यक्रम तय किए हैं जो ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, मगर कांग्रेस की इस कसरत पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। जहां कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए अपनी पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का जिक्र कर रहे हैं, वहीं भाजपा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 2017 और 2022 में मिली कांग्रेस की करारी हार की यादें ताजा कर कांग्रेसियों की गुटबाजी का जिक्र कर मजे ले रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। कल आपने देखा कि हमने शहर में देहरादून शहर में यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश में कोई जनपद मुख्यालय ऐसा नहीं है जिसमें यात्राएं न निकली हों। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार की विफलता है और राज्य सरकार की विफलता है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या हाथ से हाथ जोड़ेगी? जिस पार्टी के नेताओं के दिल से दिल नहीं मिले हैं, जिस पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मीडिया प्लेटफॉर्म हो भाषा की सीमा तक लांघ जाते हों, ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हों, वो क्या हाथ से हाथ जोड़ेंगे? जब उनके खुद की पार्टी के हाथ से हाथ नहीं जुड़े हुए नेता होंगे तो जनता के बीच हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे जिस पार्टी के नेताओं के आपस में हाथ से हाथ नहीं जुड़े उस पार्टी से उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भी और 2022 में भी हाथ जोड़ के नमस्कार किया। कुल मिलाकर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से भले ही 2024 में कोई करिश्मा हो या ना हो, लेकिन इसको लेकर देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी नई राजनीति का आगाज जरूर हो गया है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो भाजपा ही कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल से दिल मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाने की कवायद कसरत कई बार हुई, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के जो हालात हैं उससे संकेत साफ है कि यह कसरत बेईमानी है। क्या वाकई में यह कसरत बेईमानी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले आपसे दो मेहमानों को आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मथुरादास जोशी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नवीन ठाकुर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संगीता शर्मा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले मथुरा जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ सर। ये हाथ से हाथ तो मिल जाएंगे लेकिन दिल से दिल मिलेंगे क्या? तिलक जी, हाथ से हाथ भी मिले हैं, दिल से दिल भी मिले हैं, सब कुछ मिला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, आप लोगों का अधिकार है, आप लोग भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जहां न पहुंचे वहां पत्रकार। नहीं मथुरा जी, मथुरा जी आप जानते हैं हम ना आप जानते हैं मोहब्बत के पैगाम तो आपने कई बार भेजे लेकिन हकीकत के फसाने कुछ और हैं, और उन्हीं हकीकत के फसानों के इर्द गिर्द जो है ये उत्तराखंड की कांग्रेस की सियासत बुनी हुई है और वो तो किसी से छिपी नहीं है। कि मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हाँ गुटबाजी है। नहीं नहीं देखिए, गुटबाजी होना तो गलत बात नहीं है। आज कांग्रेस के इतिहास पर अगर बात करेंगे
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 1887 में जब कांग्रेस बनी थी तब भी कुछ कहीं कहीं कुछ न कुछ धर्म दल के लोग भी रहे, नरम दल के लोग भी रहे, समाजवादी भी रहे, गैर समाजवादी भी रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी रहे। कांग्रेस तो समग्र है, कांग्रेस में तो सब चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कुछ भूलने में हमने कोई अंकुश क्या लगाया किसी का? ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात पार्टी को कहना या पार्टी को आधा करना या पार्टी के प्लेटफॉर्म में कहना मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूट दे देंगे किसी को कुछ बोलने की, ऐसा भी नहीं है। पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं, सबके दिल मिले। आप देखे कल ही जब आपकी यात्रा हुई तो सारे लोग वहां उपस्थित थे, आज हरिद्वार में देख लीजिए सब लोग उपस्थित है। हाँ। अभी और आगे ओके नवीन ठाकुर जी, आपने आपने सुना मथुरा जोशी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाथ से हाथ भी मिले, दिल से दिल भी मिले। वो एक छत के नीचे इतने सारे दिग्गज नेता इकट्ठे हुए आपने देखा नहीं सर? और आप कह रहे हैं कि नहीं पहले दिल तो मिला लो फिर हाथ मिलाना। तिलक जी, जोशीमठ आपदा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से कांग्रेस के डेलीगेशन मिलना चाह रहा था। 10 नाम दिए थे, उन 10 लोगों को इकट्ठा करने में कांग्रेस को 6 दिन लग गए। और फिर इन्होंने ठीकरा फोड़ा कि मुख्यमंत्री जी के यहां से समय नहीं मिल रहा था, हमने लिस्ट जारी कर दी कितने दिन पहले हमने समय दे दिया था। दूसरी बात, अभी आदरणीय हरीश रावत जी लगातार ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि युवाओं को मौका देने चाहिए, तो प्रीतम सिंह जी का ट्वीट याद होगा, उनका तो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये इनकी बहुत सारी जो है धड़ेबंदी है। आदरणीय मथुरा जोशी जी वरिष्ठ नेता है, कह रहे थे कांग्रेस समुद्र है, ये समुद्र का एक तो पानी खारा है और दूसरा ये समुद्र सूख चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में। आप देख लीजिए 324 जो है इनके विधायक सांसद और बड़े नेता पिछले 5 से 7 साल में छोड़ के जा चुके हैं पार्टी को इनकी नीति और रीतियों के कारण। नहीं ठाकुर जी, रही बात हाथ जोड़ने की, सारा समुद्र तो आपने सोख लिया। नहीं, देखिए हमने नहीं सोखा, जो जहां पर जो है अच्छे काम होंगे, जहां पर जो अच्छा दल होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा, जिसको जनता पसंद कर रही होगी, हर व्यक्ति उधर ही आना चाहेगा। और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता तिलक जी, इसलिए कांग्रेस के नेता देर आए दुरुस्त आए, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित के काम करने वाले लोग वहां पर हैं, घर का खाकर घर का लगाकर काम करने वाले लोग हैं, और सत्ता में हमारा जो सत्ता के लिए जो लक्ष्य है, अभियान से कुछ हलचल पैदा होगी। हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा तो कामयाब हुई, कांग्रेस ही कह रहे हैं। वो सबने देखा कितने कामयाब हुई, किस प्रकार के लोग उसमें रहे। आदरणीय दिग्विजय सिंह ने उस यात्रा में कितना अपमान जो है सेना का किया, कांग्रेस को तो दिग्विजय सिंह को उत्तराखंड बुलाकर उनके हाथ जनता के सामने अगर जुड़वाएं, और इस देवभूमि को जो सैन्य बहुल भूमि है जिसमें प्रत्येक घर से एक जो है सैनिक है और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले जो लोग उत्तराखंड के हैं उनका अपमान करने का काम जिस जोशी जी, फिर मैं संगीता जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी सिंह ने किया, वो ये कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो मेरा, एक नवीन जी आप ही की बात ले जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमारी एक तमन्ना है दिग्विजय सिंह को बुलाओ यहां पर, और दिग्विजय सिंह जी से जो है उत्तराखंड की सैर करवाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, जो यात्रा अभियान चलानी है दिग्विजय सिंह को नेतृत्व सौंप दो उत्तराखंड में। पहली बात तो तिलक जी, शायद ठाकुर साहब को जानकारी नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी साल भर भी नहीं हुआ उत्तराखंड आए थे पत्रकार वार्ता करके। नहीं, वो बयान लेटेस्ट जो बयान उन्होंने दिया है, जो राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने वाला बयान है, उस बयान के बाद वो कह रहे नवीन ठाकुर जी की उनको बुलाओ एक बार, वो उनकी तमन्ना है कह रहे कि उत्तराखंड में सैनिक जहां है। मेरे ख्याल से फिर मैं इनको बता दूंगी राहुल जी ने क्या कहा, जरा उसको भी देख लीजिए। राहुल जी ने बहुत साफ बात कही है, हमें किसी से कोई सवाल नहीं करना है, ये तो इनकी आदत है, घबराते बोलते हैं, भाजपा के पेट पे दर्द हो जाता है। जोशी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता को बोलने नहीं दिया गया, कहा कि माइक छीन लो तुरंत उनसे, आपकी पार्टी सफाई देती फिर रही है, वो कह रहे कि नहीं मैं अपने बयान पर अड़ी हूं। राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेर दिया पूरी तरह से, और आप कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जी को बयान जारी करना पड़ा, सफाई पेश करनी पड़ी। जब राहुल जी ने उस प्रकरण में अपनी बात कह दी है तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे नेताओं को उसमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सारे लोग ये ठाकुर जी जानते हैं, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए प्लीज, ठाकुर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे घर के तो 6 लोग फौज में है, पूरे परिवार के लोग भी फौज में है,
और दूसरी बात यह कि इसका मतलब अपमान करने का अधिकार थोड़ी ना किसी को मिल जाएगा। नहीं, कोई अपमान नहीं, किसी ने अपमान नहीं किया, तो आप दोहरा दीजिए दिग्विजय सिंह ने जो कहा। नहीं, मैं क्यों दोहरा हूँ, मैं दिग्विजय सिंह वही बात देखिए, आप कह रहे हैं मैं दोहराऊंगा भी नहीं, लेकिन अपमान भी नहीं किया। मैं दिग्विजय सिंह नहीं बन सकता ना, दिग्विजय सिंह दो तीन बार मुख्यमंत्री जी रहे। जोशी जी, आपने खुद कबूल कर लिया, मैं यही बात कर रहा था। आपकी पार्टी का कोई चिंटू मिंटू पिंटू अगर ये बयान देता तो मैं यह सवाल ना करता आपसे, और ना ये सवाल बनता। आपकी पार्टी का वो चेहरा जिन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में राहुल गांधी ने स्वीकार किया, वो आप उनकी यात्रा में पलीता लगाने पहुंच गए और ये बयान दे दिया उन्होंने, और आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं। आप तिलक जी कहां ले जा रहे हैं, राहुल जी ने सब कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे गुरु है, राहुल जी को गुरु की जरूरत पड़ेगी, जिनका जन्म ही राजनीति में हुआ हो। ठीक, ओके, इनके परिवार में दो दो तीन ओके, नवीन ठाकुर जी क्विक रिएक्शन, फिर संगीता जी आपके पास। उनको किसी की आवश्यकता है, राहुल जी तीन तीन चार चार बार सार्वजनिक मंचों से दूसरी बात बता में बोल चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी मेरे राजनीति गुरु है, बहुत अनुभवी है। दूसरी बात, जी बार बार जो है इस बात को घुमा फिरा दे रहे हैं, एक बार वो लाए सामने या कहे कि हाँ उन्होंने गलती की थी, जिस प्रकार राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है और उनको तुरंत यात्रा से हटाया गया। लाए दिल्ली के अपने उस सांसद को जिसने उत्तराखंड के लाल को गली का गुंडा कहा था, और उत्तराखंड के लाल नहीं, देश को, जिन पूरे देश को जिन पर गर्व था, विपिन जो हमारे शहीद हो गए, पूर्व थल सेना अध्यक्ष CDS विपिन रावत को गली का गुंडा किसने कहा था, कांग्रेस के सांसद ने कहा था, इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र ने कहा था, संदीप दीक्षित जी ने। लाए उनको, माफी मांगे यहाँ पर संदीप दीक्षित, कितने बयान में कांग्रेस के लोगों की हाथ जोड़ो यात्रा नहीं, हाथ से हाथ जोड़ो नहीं, आपको जो है जनता के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। अगर आपके नेता जनता के सामने हाथ जोड़ लेंगे, जिन्होंने हमेशा से जो है सैनिकों का अपमान करने का काम किया, पूर्व सैनिकों के अपमान करने का काम किया, वर्तमान में सैनिकों का, इससे बड़ा बयान आपके राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, कितना अपमानजनक बयान था। माफी मांगे राहुल गांधी, नवीन ठाकुर जी एक मिनट, संगीता जी जो बात मथुरादत्त जोशी जी कह रहे हैं, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं, वो एक अलग मसला है। मैं तो एक सलाह देता हूं, बाकी हाँ समझ जाएंगे, जो ऐसे जो नेता हैं खासतौर पर जो इस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं ना, अब की बार अगली बार जब कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हो ना, नवीन ठाकुर जी सेना से दरख्वास्त करेंगे ऐसे नेताओं को सबसे पहले हेलीकॉप्टर में बिठाए और वहां छोड़ के आए, दिखाए उनको कि कैसे है गोले बारूद चलते हैं, ताकि देख ले प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है ना, पहले उनको उतार दे एक बार नीचे और फिर देखे सेना का शौर्य, जो ये सवाल उठाते हैं सेना पर, तब ये सवाल उठाना भूल जाएगा। गजब स्थिति है, मतलब किसी ने पूछा अमेरिका से कि ओबामा का क्या किया, जिनको ओसामा जी बोल रहे थे, बिल्कुल किसी ने पूछा क्या, वहां पर भी तो कोई कांग्रेस होगी ना, वहां पर भी कोई आम आदमी पार्टी होगी, किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जब जिनको ओसामा जी बोल रहे थे उनको जब तक समुंदर में दफना नहीं दिया, जब तक अमेरिका में सैनिक पहुंच नहीं गए वापस, तब तक किसी ने नहीं पूछा, और उसके बाद आज तक भी नहीं पूछा, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो पूछ लेते हैं नेता, तभी कह रहा हूं ऐसे नेताओं को तो सबसे पहले लेकर जाओ, देख ले प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, फिर मांगे सबूत, गजब स्थिति है। संगीता शर्मा जी देखिए, कांग्रेस तो अब मेहनत पर उतर आई, कसरत भी कर रही है, फिलहाल आप लोगों ने कुछ विचार किया या पहाड़ में सांसें फूल जाती हैं आम आदमी पार्टी की? ऐसा नहीं है तिलक भाई कि पहाड़ में सांसें फूल जाती हैं, हम पहाड़ के ही लोग हैं और यहीं के लोग आम आदमी पार्टी से जो जुड़े हैं वो यहाँ की आम आदमी पार्टी की राजनीति को करेंगे, तो उनको पूरा अनुभव है उत्तराखंड का, और उनकी पहाड़ चढ़ने में सांसें भी नहीं फूलती, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो सबके सामने है। हमने पंजाब में जिस तरह से अभी 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी का काम उसको आगे लेकर के जाता है, तो आम आदमी पार्टी धरातल पर जिस तरह से काम कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है और जनता उसे पसंद कर रही है, आने वाला भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी का ही है। नहीं तो ये उत्तराखंड कांग्रेस की इस कसरत को लेकर आप क्या कहेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो, अब तो वो देखी होगी आपने तस्वीर, इसमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह सब इकट्ठे बैठे हुए चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा हो रही थी। देखिए यहाँ जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस है, बहुत अच्छी बात है तिलक भाई, अगर एक विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है तो ये जनता के हित का काम है,
कि ये जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही कायम भी रहे, ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते फिर बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जनता ने जो भरोसा आम आदमी पार्टी पर नहीं जताया वो कांग्रेस पर जताया और एक विपक्ष के रूप में यहाँ उन्हें खड़ा किया। नहीं, आपको संदेह है क्या? उठाया जा सके कांग्रेस के घर की एकता पर संदेह क्यों है आपको? नहीं नहीं, संदेह हम नहीं पैदा करते, ये खुद पैदा कर देते हैं। अभी जिस तरह से हरिद्वार सीट के लिए सुनने में आ रहा है कि माननीय हरक सिंह रावत जी अपने आप को 2024 में खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कहीं हरीश रावत जी फिर सामने आके ना खड़े हो जाएं और फिर एक द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो तभी मैंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ने से पहले कांग्रेस को यहाँ दिल से दिल नेताओं से जरूर मिलाने पड़ेंगे, जिससे कि एक मजबूत विपक्ष जो जनता ने इनको दिया है वो इसी तरह से कायम रहे और जनता के मुद्दे उठते रहे। लेकिन तिलक भाई, एक बात से बेहद खुशी हुई, जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो माननीय अध्यक्ष जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे, प्रीतम सिंह जी भी थे, सब वहां मौजूद थे, तो अच्छा लगा कि चलिए जोशीमठ के मुद्दे पर विपक्ष एक साथ खड़ा है। जोशी जी, जोशीमठ के मुद्दे पर जोशी जी, ये कितनी हकीकत, कितना फसाना। ये हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी को लेकर जो कयासबाजी चल रही है, वो कह रहे हैं हरिद्वार में कसरत कर रहे हैं हरक सिंह रावत जी, कितनी हकीकत, कितना फसाना। आज आप कैसे डिबेट कर रहे हैं तिलक जी, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दे रहे हैं। नहीं, मैं हवा में तीर नहीं मारता हूँ, इसके पीछे कोई आधार है? आप लिख लीजिए, आज की तारीख भी लिख लीजिए, वक्त भी लिख लीजिए, और आपसे मैं 4 महीने बाद बात करूंगा। फिर आप लिख लीजिए, आपके और हमारे तो बड़े मधुर संबंध है, आप लिख लीजिए, मैं गलत कभी नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोलूंगा वो साफ बोलूंगा। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप देखिए 2024 का मामला है, अभी अभी आप कौन नहीं लड़ेगा, अभी समय है, अभी 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 समय है, अभी ओके, मैं करेक्ट कर देता हूँ। संगीता जी पता नहीं क्यों इतने चिंतित हो रही। संगीता जी, हरक सिंह रावत पौड़ी पर ध्यान देंगे, जो बात मुझे को समझ में आ रही है, पौड़ी पर ध्यान देंगे, हरिद्वार पर हरीश रावत ही ध्यान दे रहे हैं, समझे आप मथुरा जी की बात? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं, आप इसे मेरे मुंह में मत डालिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। अच्छा, ध्यान देगा। अच्छा ओके, हरक सिंह रावत पौड़ी भी नहीं लड़ेंगे? ओके ओके, मैं समझ गया। अपना अपना काम सब करेंगे, और अपना अधिकार, मैंने कहा ना सबको अधिकार है, सबको सबको जिम्मेदारी दी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। संगीता जी, मेरे को लग रहा है संगीता जी ये संदेह उत्पन्न कर रही हैं कि हरीश रावत के होते हुए हरक सिंह रावत चुनाव लड़ ही नहीं सकते। का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी है, और हर नेता अपने स्तर से काम कर रहा है, हर नेता अपने स्तर से जनता के बीच में जा रहा है। नहीं, हरक सिंह रावत को लेकर चिंतित ज्यादा होते हैं बीजेपी वाले भी और कांग्रेसी भी, कुछ ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अभी मथुरा जी, ये हरक सिंह रावत को लेकर ये चर्चा में ले ही आते हैं हरक सिंह रावत जी को? नहीं नहीं, वो आप हरक सिंह जी चर्चा में रहने वरिष्ठतम नेता है, उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से उनका नाम है, और निश्चित रूप से चर्चा में वो रहते हैं, वो नेता ही कौन है जो चर्चा में नहीं रहेगा? हाँ, ये बात है, चर्चा में नहीं रहेगा तो नेता कहां से रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझे नवीन ठाकुर जी। नहीं, मुझे मुझे ना 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 ना, मुझे जो चाहिए था मिल गया वो। नहीं नहीं जोशी जी, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल सही कहा आपने। तिवारी शासन काल से लेकर अब तक ऐसा कौन सा सियासत का अध्याय है जो हरक सिंह रावत जी के बिना पूरा हो जाए? आप 91 से लीजिए, जब से हरक सिंह जी पौड़ी से विधायक बने हैं, 91 से। सर मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं उत्तराखंड के अध्याय से जोड़ रहा हूँ, फिर है कई प्रकरण है, कई तरह के किस्से जुड़े हैं। हाँ, दिल्ली सफदरजंग से लेकर हाँ कई किस्से जुड़े हुए। छोड़िए आप उस अध्याय में, वो अध्याय बीजेपी के बिना भी पूरा नहीं होता, उसमें भी वो हाँ सब कुछ है। नवीन ठाकुर जी, ये कसरत की तैयारी कर रहे हैं, आपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अब ये मत बोलिएगा कि करण महारा अपनी टीम तक नहीं बना पाए, वो उनका अपने घर का मामला है, खामा का फिर मेरा बहिष्कार करवा दोगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको इस बार पूरी उम्मीद है, अगर ये एकजुट हो गए वाकई में, जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो फिर दिक्कत और टेंशन हो सकती है? नहीं नहीं, देखिए तिलक जी, कोई दिक्कत और कोई टेंशन नहीं, मैं भी उत्तराखंड के गठन से ही जोड़ लेता हूँ। 2002 में जब पहले चुनाव हुए
5.5 से जो है कांग्रेस सरकार बनी, और पूरे प्रदेश में तुलनात्मक अगर वोट देखें तो हम कांग्रेस से केवल 35,000 वोट कम थे और कांग्रेस 35,000 वोट लेकर सरकार बना थी। 2007 में हम कितने प्रतिशत से आगे रहे और सत्ता में आए ये मतलब ज्योति भी जानते हैं। 12 में भी कांग्रेस केवल एक सीट थे, 31 और 32, आपको ध्यान होगा जनरल खंडूरी कोटद्वार से हार गए थे जी। कांग्रेस 32 हार नहीं गए थे, हरवा दिया था जो भी रहा कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन 14 से आप देखिए इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। 14 में हाथ जोड़ लिए, क्या रिकॉर्ड था, 5-0। उसके बाद 17 में हाथ जोड़ लिए, उसके बाद 57 हमारे आए थे, 11 पे सिमट गए थे। फिर 19 में कांग्रेस से इस प्रदेश की जनता ने हाथ जोड़ लिए, और फिर 22 में पुनः जोड़ लिए पूरे उत्तराखंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जो आज तक नहीं हुआ था। नवीन ठाकुर जी मेरे साथ नहीं हो पाएगा, एक बार और 5-0 हुआ था, सारी याद है भैया, बिल्कुल याद है। तो पूरी बात बोलिए ना, आप अधूरे फैक्ट्स खेल रहे हैं। भाजपा की सरकार थी प्रदेश में और तब 5-0 हुआ था, और जब कांग्रेस की सरकार रही तब जो है भाजपा ने 5-0 का स्कोर अर्जित किया। लेकिन 14 के बाद स्थिति बदल गई, 14 में 5-0, 19 में 5-0, 17 में कांग्रेस बाहर, 22 में कांग्रेस बाहर, और अब 24 में भी वही स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस वही सुनने पर आउट होगी, क्योंकि आप देख लीजिए अभी से जो है कांग्रेस का हाल आप देख लीजिए कि सरकार जो है फिर फुटबॉल शुरू होगी। अभी चुनाव में 1.5 साल बाकी है, लेकिन हरक सिंह ने पहले साल ठोक दी, मैं हरिद्वार से लड़ूंगा। यहाँ तो इनके नेता अपने आप जो है स्वयं तय कर देते हैं, हमारे संगठन तय करता है, कार्यकर्ता तय करते हैं कौन कहाँ से लड़ेगा, और चाहे जितना मर्जी बड़ा कार्यकर्ता हो वो स्वयं निर्णय नहीं करता कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। हमारा केंद्र नेतृत्व तय करता है, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है, हमारा कार्यकर्ता से पैनल शुरू होता है, नीचे से नाम जाता है तब ऊपर जाके तय होता है। कांग्रेस के तो नेता अभी से तय करने लगे, मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा। जोशी जी समझ लीजिए, ये फिर वही हरक सिंह रावत कह रहे हो, हरक सिंह रावत ने तय कर दिया हरिद्वार से लड़ेंगे, आप लोग आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमसे क्या खेलेंगे, आपस में ही सेल्फ गोल कर लो। मथुरा जी वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने किस अधिकार पर तय कर दिया कि वो हरिद्वार से लड़ेंगे, बोले हमारे संगठन में कोई करके दिखाया ऐसा नहीं, कौन कहां से लड़ेगा ये समय आने पर पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी केवल अपना घर संभाल है, आप त्रिवेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं आपके सामने है, सतपाल महाराज जी क्या बोल रहे हैं आपके सामने है, मदन कौशिक जी की क्या स्थिति हो रही है आपके सामने है, अपना घर संभाल है, इनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और वैसे ही कांग्रेस के नेता एक होने पर भाजपा में कॉम्प्लाट हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, कांग्रेस के सारे नेता एक छत के नीचे है, और सारे नेता करण मेहरा जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा 5 की 5 सीटें जीतेंगे, बहुत हो गया भाजपा ने जिस तरीके से ठगने, आपने कहा एक गुप्ता अच्छा ये तो बताइए मथुरा जी, आप दीदी के घोषणा पत्र मथुरा जी चर्चा करा दीजिएगा, मुझे बुला लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसने कितने काम किए हैं। हाँ तो ले आइए सब घोषणा पत्र ले आइए सब ले आइए। अच्छा एक सेकंड, एक दिन जरा रख दीजिए। अच्छा जोशी जी फिर मैं संगीता जी के पास जा रहा हूँ, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, एक मिनट जोशी जी। वो कभी हरीश रावत जी ने कहा था सांप और नेवला, कौन था सर वो? मुझे पता चला कि मथुरा जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। खैर कनेक्ट करिएगा। हाँ संगीता जी, कांग्रेस की इस कसरत से आपको लगता है कुछ लाभ होगा कांग्रेस को? हाथ से हाथ जोड़ो, देखिए उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा भी की, अब वो हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल कार्यक्रम है उनके अपने राजनीतिक दल के। इससे देखिए फायदा तो जब होगा जब कांग्रेस एकजुट हो जाएगी, यदि कांग्रेस के लोग खुद में टूटते रहेंगे तो कितनी भी यात्राएं कर लें उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। मैडम उनके घर बर्तन है तभी खनकते हैं, आपके यहाँ तो है ही नहीं तो खनकेंगे कहाँ? और देखिए रही बात राजनीति की, तो कांग्रेस के शासन को भी देश ने देखा है और भाजपा के शासन को भी अभी 9 सालों में देखा है कि किन किन वादों को पूरा करते हुए सत्ता में काबिज हुए और अब कितने वादे पूरे हुए। बेरोजगार हो चाहे महंगाई हो चाहे महिला सम्मान हो सब सड़क पर ही है। तो अब आने वाला समय तिलक भाई आप देख लीजिएगा आम आदमी पार्टी का ही होगा, क्योंकि हम जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर के और जनता के काम को करते हुए आप तो
जनता को पसंद आएगा और आने वाले समय में जनता आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। कहाँ? उत्तराखंड में? उत्तराखंड में भी और दूसरे राज्यों में भी। अच्छा, पहले लोगों को लगता था कि हम कांग्रेस को केवल हराते हैं, हमने बीजेपी को भी स्थिति में हराया। लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कार्यालय कब कब खुलता है, कितने बजे से? देखिए तिलक भाई, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या हाल किया है 22 सालों में, आज वो युवा से लेके वृद्ध तक सब देख रहे हैं। आज युवा सड़कों पे है भ्रष्टाचार की। नहीं नहीं, युवा तो सड़कों पर, आप कहाँ सड़कों पर है? आप कहाँ है? हम भी सड़कों पर ही है, हम भी सड़कों पर ही है, घर में बैठे हैं और टीवी चैनल पे केवल जो है उठा रहे हैं। जाने की बात हो, हम जोशीमठ भी गए और जितने भी मुद्दे हैं वो सारे आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि जनता के बीच नहीं है या जनता के लिए काम करने की नीयत नहीं है, काम हम दो राज्यों में कर रहे हैं। लाइव में कमेंट आया, संगीता जी पढ़ दूं लाइव में कमेंट आया जी, बिल्कुल पढ़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सहयोग कैसे करेंगे लोकसभा में आप? देखिए, हम किसी का सही करने आए होते तो हम गुजरात चुनाव लड़ने नहीं जाते और वहाँ 5 सीटें हासिल नहीं करते, 41 लाख वोट। नहीं नहीं, गुजरात में कितना जख्म गहरा है, अभी जोशी जी के जख्म आप खुले दिए। एमसीडी में भी नहीं हराते बीजेपी, तो इसलिए हम किसी की मदद करने नहीं आए। आम आदमी पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है और जनता के लिए काम करने के लिए। ठीक, ओके जोशी जी, मेरी आवाज आई आपको? जोशी जी पैच नहीं है। फाइनल कमेंट 10 सेकंड, नवीन ठाकुर जी सुन रहे हैं आप? संगीता जी कह रही है हम भी दम दम से हैं, जितना ज्यादा दम ये लगाएंगे उतना फायदा आपको होगा। इनका दम जो है जनता ने देख लिया, गुजरात में जनता पूछ रही है अरविंद केजरीवाल का कागज कहाँ है जो लिख के दे रहे थे, संगीता जी बता देंगे जरा? और ये वही आदमी पार्टी के नेता है, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सेना के तौरे पर सवाल उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल थे। उत्तराखंड में 68 विधानसभा में जमानत जब्त हुई है इनकी, और ये जोशीमठ जाने की बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कब जोशीमठ गए और कब घूम के आ गए किसने नहीं देखा, ये केवल कागजों में घूम कर आए, कागजों में गए। हमारी तरह जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के चलिए चलिए आप देखते हैं, आपका केंद्र खुला है। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मथुरा जी आपका भी, संगीता जी आपका भी, नवीन जी आपका भी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उत्तराखंड में क्या वाकई में हाथ से हाथ जोड़ो के बाद दिल से दिल जुड़ पाएंगे उत्तराखंड कांग्रेसियों के, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।